नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के संबल में अवैध शस्त्र के साथ टॉप 10 अपराधी व उसके साथी गिरफ्तार। संबल थाना रजपुरा पुलिस अधीक्षक संबल चक्रेश मिश्रा, वहां पर पुलिस अधीक्षक संबल आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुन्नूर देवेंद्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में जनपद संबल में कानून व्यवस्था अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए गए अभियान के तहत चेकिंग के दौरान उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार सिंह मैं हमरहा पुलिस टीम द्वारा ग्राम उम्मीदपुर को जाने वाले तिराहे से टॉप 10 अपराधी रामू को गिरफ्तार किया। अभियुक्त का एक साथी वेदी और वेद प्रकाश मौके से भाग गया। संबल संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कल रात एसपी महोदय के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इसी संबंध में रजपुरा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त रामू, जो कि राष्ट्रीय अपराधी है और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में इसके विरुद्ध लगभग 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत थे और 7 अपराधी हैं, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा बताया गया कि मैं कई वारदातों में सम्मिलित था। एक दवाई चोरी की, दवाई की दुकान में चोरी हुई थी और एक मोटरसाइकिल चोरी की और वारदात की उसमें सम्मिलित था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को दोनों मुकदमों में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अब मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी की है। अभियुक्त दल के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई की जा रही है।